वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस मैं हूँ अर्चना, स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल मेकअप स्टाइल विद अर्चना में। तो गाइस देखिए, आज मैं ये वाला मेकअप लुक लेकर आई हूँ आपके लिए। बहुत ही आसान तरीके से बताया है, जस्ट 3-4 प्रोडक्ट से मैंने ये मेकअप किया है। अगर आप भी बिगनर्स हैं तो इस मेकअप को आप भी क्रिएट कर सकते हैं। और गाइस यहाँ पे मैं फुल लुक शेयर नहीं कर पाई अपना, क्योंकि कोई बैकग्राउंड नहीं है मेरे पास। यहाँ पे सारा कुछ मैस पड़ा हुआ था और यहाँ पे वॉइस ओवर भी मैं कर रही हूँ, बच्चे बहुत शोर कर रहे थे इसलिए मुझे वॉइस ओवर करना पड़ा। वीडियो फुल के यहाँ पे मैं सबसे पहले यूज़ कर रही हूँ टोनर मैंने यहाँ पे लिया है सनफे का, और सनफे का टोन इसका जो रिव्यू है मैं कर चुकी हूँ मेरे चैनल पे। इसके बाद मैं यहाँ पे अपने बालों को अच्छे से बांध लूँगी, और फिर मैं मेरे पास बीबी क्रीम सीसी क्रीम नहीं थी तो मैंने यहाँ पे लैक्मे परफेक्ट का ये फाउंडेशन ले लिया है। इसको मैं एज अ बीबी क्रीम यूज़ करूँगी, और जस्ट ऐसे यूज़ करूँगी जैसे कि मैं कोई कंसीलर लगा रही हूँ, क्योंकि मेरे फेस पे ऐसे कोई दाग धब्बे वगैरह नहीं है, जस्ट थोड़ा सा डिस्कलरेशन है कलर का। तो उसे करेक्ट करने के लिए मैं यहाँ पे इस फाउंडेशन से ही मैं सारा सेट कर लूँगी। आप देख सकते हैं वीडियो में, इसी तरह से यहाँ पे हमें फाउंडेशन लगा लेना है। और फाउंडेशन ज़रूरी नहीं है, आपके पास नॉर्मल कोई भी क्रीम हो आप वो भी लगा सकते हैं। इसके बाद इसी फाउंडेशन को मैं थोड़ा सा और कंसीलर की तरह लगा लूँगी अपने हाई पॉइंट्स पर, जहाँ पर हमें कंसीलर लगाते हैं उस तरह से, जिससे कि हमारा जो है हाईलाइटर और ब्लश वगैरह जो है सेट हो जाए। अब क्या कहते हैं कि जब मेकअप करते हैं ना, उस समय हमें डेली डेली में तो हमें ना हाइलाइटर इन सब चीज़ों की ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन फिर भी मैं आपको सारा बताऊंगी बहुत नॉमिनल से प्रोडक्ट से। अब देखिए यहाँ पे मैं लूज़ पाउडर यूज़ कर रही हूँ। लूज़ पाउडर में आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, मैं तो जस्ट यहाँ पर वाइट टोन यूज़ करती हूँ, जैसा कि आप लोगों को पता है मैंने और भी वीडियोज़ में शेयर किया हुआ है। आँखों पर कोई क्रीजिंग ना बने इसलिए मैं यहाँ पर लूज़ पाउडर से आइज़ को सेट कर लूँगी। इसके बाद मैं शुरू करूँगी अपना फेस मेकअप। आगे मैं कोई ब्रश यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि मेरी फिंगर ही ब्रश की तरह काम करती है। अच्छा, मैं ना अपने फेस पे स्पंज की जगह ब्यूटी ब्लेंडर यूज़ करती हूँ, चाहे मैं लिक्विड लगाऊँ या कोई भी ड्राई प्रोडक्ट यूज़ करूँ, ठीक है। अब नेक एरिया भी हमारा अपना ही है, तो नेक एरिया पे भी हम इसे पाउडर को सेट कर लेंगे, क्योंकि नेक पे सेट करना बहुत ज़रूरी है। तो उसके बाद अब देखिए यहाँ पे मैं अपनी ब्राउज फिल करूँगी, आईब्रो फिल करूँगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे ये ADS का एक किट लिया है, इसमें दोनों कलर आते हैं। इस तरह से थोड़ा थोड़ा स्ट्रोक्स में इसको आईब्रोज़ को फिल कर लूँगी। कोई भी ले सकते हैं आप, मैं जो ले रही हूँ बस मैं वो बता रही हूँ। सारे प्रोडक्ट के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, चेकआउट कीजिएगा अगर आपको चाहिए हो तो। अब देखिए इसमें एक ब्राउन कलर आता है ब्राउज़ को फिल करने के लिए, ठीक है। तो उससे मैं यहाँ पे कंटूरिंग कर रही हूँ। मैं यहाँ पे ज़्यादा प्रोडक्ट्स नहीं ले रही हूँ, सिर्फ 4 या 5 प्रोडक्ट से मैं अपना पूरा फेस मेकअप कर रही हूँ, ठीक है। क्योंकि हर किसी के पास इतने प्रोडक्ट नहीं होते हैं। मैं जनरली बहुत सस्ता अफोर्डेबल टाइप से कहते नहीं है, जो कि मेरे पास जस्ट ऊपर रखा रहता है तो वही मैं यूज़ कर रही हूँ जल्दी में। इसके बाद देखिए मैंने कंटूर कर लिया है, अपने पूरे फेस को कंटूरिंग कर लिया है। अब मैं यहाँ पर मेरी नोज़ एरिया रह गया था तो मैं नोज़ पे कंटूरिंग करूँगी। उसके लिए मैंने यहाँ पे एक फ्लैट शेडर ब्रश ले लिया है, इस तरह से। आप फिंगर से भी कर सकते हैं, है ना। मैं भी देखिए अभी थोड़ी देर में फिंगर से भी करके बताऊँगी आपको, क्योंकि मुझे ना ब्रश वगैरह ज़्यादा सूट नहीं करते हैं, मुझे बेटर लगता है फिंगर्स और अपनी उंगलियों से काम करना। अब वही वाली बात है ना, हमारे पास जब नेचुरल ब्रश है हमारी फिंगर्स हमारे हाथ, तो ज़रूरत क्या है आर्टिफिशियल ब्रश लेने की। देखिए इस तरह से मैं यहाँ पर देखिए आ गई ना मैं फिंगर्स पर, तो मैं फिंगर से अच्छे से सेट कर लूँगी, मर्ज कर लूँगी। बहुत अच्छा लगता है मुझे फिंगर से काम करना, यहाँ तक कि आपको बिलीव नहीं होगा मैं फिंगर से ना आई शेडो भी लगा लेती हूँ, ब्लश भी फिंगर से ही सारा कुछ कर लेती हूँ। अगर फिंगर चैलेंज हो ना तो मैं शायद उसमें फर्स्ट आऊँ फिंगर मेकअप चैलेंज में। अब इसके बाद ये जो मेकअप किट में आई शेडो किट में यूज़ कर रही हूँ ना, ये कॉमन सी आई शेडो पैलेट है, बिल्कुल जो स्टार्टिंग कर रहे हैं ना बिगनर्स, वो उनके लिए बेटर है ना। इसमें से मैं एक कलर का हाइलाइटर सेड मैंने उठाया और अपने हाई पॉइंट्स पे उसे यूज़ कर लिया। देख रहे हो आप यहाँ पे चीक बोन पे, नोज़ एरिया पे और आई एरिया पे, फॉरहेड पे, सभी जगह मैं इस पर यूज कर सकी हूँ। अब देखिए ब्लश के लिए मैं जस्ट मेरा जो लिपस्टिक यूज करने वाली हूँ वही लिपस्टिक मैंने अपने फेस पे ब्लश की तरह से यूज कर ली है ना। लिक्विड लिपस्टिक है तो लिक्विड लिपस्टिक से आप एक चीज़ देखिएगा, जो ब्लश है ना बहुत अच्छा आता है। अच्छा एक टिप्स और देती हूँ मैं आपको, अगर आपको ब्लश ऐसा लगे कि कहीं भी थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है, ब्लश कॉन्टोर या कोई भी चीज़, तो आप सूखा मतलब गीला नहीं होना चाहिए आपका ब्यूटी ब्लेंडर या कोई भी स्पॉन्ज वगैरह, उससे बस आप उस पर थोड़ा सा टेल्क या पाउडर लगा के अपने फेस पे
लगा लीजिएगा। इससे क्या होगा, जितना भी एक्स्ट्रा जो ब्लश या कॉन्टोर होगा वो आपकी स्पॉन्ज में आ जाएगा और फेस एकदम से सटल दिखाई देने लगेगा। ठीक है, ये छोटा सा टिप था। इसके बाद देखिए, मैं यहाँ पे आईज़ के ऊपर भी वही लिपस्टिक यूज करूँगी। एक लिपस्टिक और सारे काम एक साथ ही हो जाएंगे इसमें। अच्छा, एक मेकअप ट्यूटोरियल और लेकर आने वाली हूँ मैं आप लोगों के लिए। आगे मुझे कमेंट में बताइएगा लेकर आऊँ या नहीं। उसमें मैं जस्ट 2 या 3 प्रोडक्ट से पूरा फेस मेकअप करना बताऊँगी आपको, है ना। बस लिपस्टिक, काजल, इन चीज़ों से पूरा फेस मेकअप आप कर सकते हैं, तो वो मैं जल्दी लेकर आऊँगी। आप मुझे कमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिएगा तो मैं वो जल्दी लेकर आऊँगी। अब देखिए, इस तरह से ब्रश ले लिया है मैंने। यार ब्रश तो मैंने बस ऐसे ही ले लिया है, बस मैं फिंगर से ब्लेंडिंग, फिंगर से भी काफ़ी बेस्ट कर लेती हूँ। सिखाऊंगी आपको धीरे धीरे सारा। तो देखिए, इस तरह से लिपस्टिक को मैंने अपने आई एरिया पे लगा लिया। अब नॉर्मल सा जो थोड़ा सा हल्का सा ग्रे टाइप का शेड है इसमें, थोड़ा ब्लैक टच पे है, उसे लेके मैं अपने क्रीज एरिया में, अपने आउटर वी पे लगा के क्रीज एरिया पे अंदर की साइड से ब्लेंड करूँगी धीरे 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 धीरे, जब तक कि इसकी लाइन जो सेटल ना हो जाए बिल्कुल। काफ़ी अच्छा सा लुक आ गया है। इसके बाद सेंटर में मैं एक गोल्ड कलर का हल्का सा गोल्डन गोल्डन हाइलाइटर लेकर अपने सेंटर एरिया पे लगा दूंगी, जिससे कि पता है आप देख सकते हो ये आईज़ ना मेरी एकदम से न्यूड टाइप से लग रही हैं, बिल्कुल भी नहीं लग रही है, मैंने बहुत ज़्यादा मेकअप किया है। अब देखिए, बारी आती है लाइनर की। तो यहाँ पर मैं विंग लाइनर क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ, और कोशिश क्या कर रही हूँ, मैं लगा ही रही हूँ। आप देखिए इस तरह से। एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, एक सेकेंड टिप मैं आपको देती हूँ कि जब भी आप विंग लाइनर लगाएं, आप आईज़ के ऊपर के एरिया में जब आप लगा रहे हैं, ठीक है, तो आपको नीचे देखना है, अपने मिरर को नीचे रखना है, जैसे कि मैंने किया हुआ है। मतलब मैं एक वीडियो इसका सेपरेट बनाऊंगी आपको आईलाइनर का, जिसमें आपको सारे टिप्स बताऊंगी। आपको नीचे देखना है, ठीक है, और जब आप नीचे की साइड में आईलाइनर लगा रहे हो तो आपको ऊपर देखना है, एकदम से ऐसा लगे कि आप छत को ऊपर देख रहे हैं, ठीक है। इस तरह से आप धीरे 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 आईलाइनर सेट कर लीजिएगा। अच्छा, जब भी आईलाइनर आप बॉटल में डिप करो ना अपने ब्रश, उसके बाद कभी भी साइड से, कॉर्नर से या स्टार्टिंग पॉइंट से स्टार्ट मत कीजिएगा, क्योंकि इसमें जो एक्स्ट्रा प्रोडक्ट होता है ना, उससे आपका आईलाइनर ख़राब हो सकता है। आप सेंटर से स्टार्ट कीजिएगा, तब लाइन लेकर आइएगा पूरी, ठीक है। अब मैं यहाँ पे बहुत अच्छा सा आंखों का लुक देने के लिए मैंने यहाँ पे नीचे लाइनर नहीं लगाया, मैं जस्ट, ना ही तो मैं काजल लगाऊंगी, मैं जस्ट हल्का सा एक लाइनर के तौर पे आंखों के अंदर नहीं लगाऊंगी, आईलिड पे नहीं लगाऊंगी, देखिए जस्ट नीचे लगाऊंगी और आधे, मतलब हाफ एरिया पे लगाऊंगी, हाफ आई पे। उसके बाद जो पीछे ब्रश होता है ना, ये प्लम का मैं काजल यूज कर रही हूँ, उससे मैं स्मज आउट कर दूंगी इसको, तो एक बहुत बहुत अच्छा लुक आ जाता है इससे। मैं डेली में भी इस तरह से करती हूँ। आईलाइनर तो मैंने एक ऑप्शनल था जो मैंने आपको बता दिया, अदरवाइज डेली में मैं आईलाइनर नहीं लगाती हूँ। और इसके बाद मैं ये आईलैश कलर लेके आईलैश को कर्ल कर लूँगी। मैं सच बताऊँ, मैं ना तो डेली वियर में अगर मैं मेकअप करती हूँ तो ना तो मैं ये मस्कारा यूज़ करती हूँ, ना मैं लाइनर यूज़ करती हूँ, और ना ही मैं आई शेडो यूज़ करती हूँ, लेकिन फिर भी मेरा मेकअप बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। अगर आप देखना चाहेंगे तो उसका वीडियो भी मैं बहुत जल्दी लेकर आऊँगी। तो देखिए, इस तरह से मैं मस्कारा अपने आईज़ पर, सॉरी पलक पे, आईलैशेस पे लगा लूँगी। अब बारी आती है लिप्स की, ठीक है। पूरा मेकअप हो चुका, लिप्स पे मैंने कुछ भी नहीं लगाया, बस ये मैंने थोड़ा सा एक लिप बाम लगा ली थी, तो उससे ना थोड़ा सा कलर डार्क आ गया है, तो वो इसीलिए मेरे लिप्स जो है थोड़े से डार्क लग रहे हैं। इसके बाद देखिए, बाल मैंने ओपन कर लिए हैं। अब लिप लाइनर लगाने के बाद मैं यहाँ पे जो लिपस्टिक का शेड मैंने लगाया था ना अपनी आईज पे, और क्या कहते हैं, ब्लश की तरह, उसी लिपस्टिक को मैं लगा लूँगी अपने लिप्स पे। अच्छा, ये लिपस्टिक ना बहुत अच्छी है, इसके स्वाचेस अगर आप देखना चाहते हैं ना तो मुझे बताइएगा, मैं इसका वीडियो लेकर आऊँगी। माई ग्लैम की लिपस्टिक है, और सच में आप यकीन नहीं करोगे इतनी सस्ती लिपस्टिक है। तो गाइज, ये देखिए, ये है मेरा फाइनल लुक, और मैंने आपको पूरा शूट करके दिखा दिया। ये देखिए, यहाँ पे मैंने आई लाइनर कितना मस्त लगाया है, देखिए इस तरह से बहुत अच्छा लगा है। तो रेडी होने के बाद फाइनल लुक ये है मेरा। तो गाइज, आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। देखिए, बहुत सिंपल तरीके से मैंने बताया है। यहाँ ड्रेसअप होने के बाद, ये देखिए मैं आपको शेयर कर रही हूँ ड्रेसअप होने के बाद का वीडियो, मतलब वीडियो शूट करने के 1-2 घंटे बाद का ये क्लिप है जो मैं इसके साथ ऐड करूंगी। थोड़ा सा स्वेटिंग भी हो जाता है।